नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त परवीन राणा और आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पेटीएम का अकाउंट है, पेटीएम मनी का अकाउंट है, तो हमारे प्लेटफॉर्म से उसको कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, एपीआई की और सीक्रेट जो आपको मिलेगा वो किस तरीके से जनरेट करना है। तो वीडियो बहुत ही ईजी है। पहले तो यहाँ पर कॉल बैक यूआरएल आपको देखेंगे, नीचे यहाँ पर नोट में दिख रहा है कि ये कॉल बैक यूआरएल होता है, ये हमें डालना होगा उसमें और साथ ही साथ कुछ और डिटेल्स भी डालनी होंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा पेटीएम मनी लॉगिन। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक वेबसाइट खुलेगी, इसमें आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और आपको आपका पासवर्ड डालना है। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल रहा हूँ तो ये पासवर्ड मैंने डाला। उसके बाद ये हमसे मांगेगा ओटीपी वगैरह मांगता है, तो अभी मैंने जस्ट रिसेंट लॉगिन किया था तो शायद इसने ओटीपी नहीं मांगा, अदरवाइज ये ओटीपी मांगता है। तो ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा। तो जब आप यहाँ आएंगे या इस पे पेटीएम मनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट पे आपको ओपन एपीआई पे क्लिक करना है, माई एपीआई पे जाना है और माई एपीआई पे जाके यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू ऐप करना है। ठीक है, तो जब आप क्रिएट न्यू ऐप करेंगे तो ये पूछेगा कि ट्रेडिंग ऐप एपीआई करनी है या फिर यहाँ पर ब्रॉडकास्ट की एपीआई, वेब सॉकेट वगैरह की भी साथ में करनी है। तो हमें लाइव ट्रेडिंग की करनी है, हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर ऐप का नेम डालेंगे, आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे आप एल्गो क्रैब वन डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है किस तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको करनी है, तो आप उसमें लिख सकते हो, रूल बेस्ड ट्रेडिंग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको यूआरएल डालना है, तो ये यूआरएल जो आपको वहाँ पे मिला था हमारे प्लेटफॉर्म पर दिख जाएगा, www.algocrab.com/api/paytm/auth। ठीक है, ये आपको पूरा डालना होगा। ये डालने के बाद आपको नीचे पोस्ट बैक यूआरएल की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिख देना आप एल्गो क्रैब टू पेटीएम एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे जाके यहाँ पर कोई इमेज वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इसके कोई खास फायदा तो होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, योर एपीआई सब्सक्रिप्शन इज सक्सेसफुल, गो टू होम पेज जाना है। यहाँ पर देखिए ये तीन एपीआई आ रही हैं जो मैंने आज जनरेट की, 10 तारीख की यहाँ पर ये आ रही है एल्गो क्रैब वन वाली, इसको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, और कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपका जो सीक्रेट है उसको यहाँ पर कॉपी करना है और उसको भी जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अपडेट करना है, अपडेट करने के बाद गेट एक्सेस टोकन करना है, ये फिर वापस यहीं लेके आएगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है 078695। डालने के बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद अगर ये हमारी वेबसाइट पर वापस लेके चले जाए हमें, तो आप समझ सकते हो कि टोकन मिल गया है। ऑथेंटिकेशन में वापस जाएंगे, वैलिडेट टोकन करेंगे तो टोकन वैलिड बता रहा है। बस यही सिंपल सा प्रोसेस करना है। इसके बाद आप कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पे लगा सकते हो, कस्टमाइज करके ऑप्शन में करते हो तो ऑप्शन की स्ट्रेटजी लगा सकते हो, कोई भी कस्टमाइज करके सिंपल सा होता है। यहाँ पर आपको सिंबल, कोई भी सिंबल आपको जिसमें क्रिएट करना है, सुपर ट्रेंड मान लो करना है, सिंबल कौन सा बैंक निफ्टी करना है, कौन से डेट की एक्सपायरी पे काम करना है, जैसे 10 तारीख पे करना है, और मंथ कौन सा है, जनवरी, ईयर 24। ठीक है, एमआईएस करना है तो एमआईएस करेंगे। उसके बाद नीचे आओ, स्टॉप लॉस टारगेट लगाने तो जितने पॉइंट्स का लगाना है लगा सकते हो, फिलहाल मैं डेमो के लिए सेट कर रहा हूँ तो मैं लगा नहीं रहा हूँ कुछ भी। तो बस स्टार्ट किया, कार्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी ये एक्सपायर्ड बता रहा है बिकॉज ये स्ट्रेटेजी का मेरे को पास एक्सेस नहीं है, तो जब अगर मेरे पास एक्सेस होता तो यहाँ पे बटन दिखाता, मुझे बस एक प्ले का बटन प्रेस करना और उसके बाद ट्रेडिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये था प्रोसेस पेटीएम का कैसे करते हैं, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।